Good morning children, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to do English grammar part 2. We are going to do part 2 of the chapter number 4, pronouns. Okay, we are going to do part 2, chapter number 4, pronouns. What we had done in our previous class children, humne kal kya padha tha? Humne padha tha ki जो वर्ड्स नाउन्स की जगह में यूज होते हैं वी कॉल इट एज प्रोनाउंस. ओके, द वर्ड्स विच वी यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज प्रोनाउंस. एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट व्हाट वेयर दे ही शी इट देन हिज हर है ना, ये सारी चीज हमने यूज किए ना, कल बताया था ना मैंने डैश इज अ गर्ल. अब यहां पे गर्ल के बारे में बात हो रहा है, सो व्हाट डू वी यूज? वी यूज शी. सो नंबर 3 विल ऑल्सो बी शी. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, डैश इज अ बलून. ओके, डैश इज अ बलून. सो बलून को क्या बोलेंगे? इट्स अ थिंग, वो एक सामान है. सो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आई टी इट. So, number 4th will be it is a balloon. Okay, next, dash is a monkey. Dash is a monkey. We use it for an animal. Animal ke liye hum log kya use kar rahe hai? It. Dash is a teacher. Teacher hai yahan pe. And she is a girl, she is a woman, so we are using she. So number 6 will be she. ठीक है? Next, dash is a sweeper. Sweeper यहाँ you can see a man is here. So for a man, we are using he. So number 7 will be he is a sweeper. Then dash is a singer. Dash is a singer, but here you can see a photo of a boy. So boy के लिए हम लोग क्या use करते हैं? He. So number 8 also will be he.
Understood? So, he is a postman, she is a nurse, she is a girl, it is a balloon, it is a monkey, she is a teacher, he is a sweeper, and he is a singer. Understood? You are going to write this in your textbook. Now turn to page number 18, exercise number C. Okay, we are going to do the next exercise. Take your pencil in your hand and be ready, children. Okay, number C. Underline the correct pronoun in each sentence. आपको करेक्ट सेंटेंस करेक्ट वर्ड पे अंडरलाइन करना है, करेक्ट प्रोनाउन पे अंडरलाइन करना है हर एक सेंटेंस में. सो द फर्स्ट वन इज ही और शी. ओके, ही और शी इज माई सिस्टर. अब यहाँ सिस्टर है तो सिस्टर कौन है? गर्ल है. सो फॉर अ गर्ल वी यूज शी. सो ही और शी में से कौन सा आएगा? शी. यस. सो शी पे हम लोग अंडरलाइन करेंगे. ओके, सो शी इज माई सिस्टर. नेक्स्ट द ऑप्शन इज ही और इट इज गोइंग टू स्कूल. इट तो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? एनिमल के लिए, थिंग के लिए, बर्ड के लिए. अब यहां लिखा है डैश इज गोइंग टू स्कूल. एनिमल तो स्कूल नहीं जाता, सामान भी आपका खुद ब खुद स्कूल तो नहीं जाता है. सो ऑब्वियसली सम पर्सन विल ओनली गोइंग टू अ स्कूल, वेदर इट इज अ बॉय और वेदर इट इज अ गर्ल. बट यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? ही है. सो इट्स टॉकिंग अबाउट अ बॉय. सो ही इज गोइंग टू स्कूल. सो हियर वी आर अंडरलाइनिंग ही. समझ में आया? नंबर थ्री, डैश इज माई अंकल. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ही और शी इज माई अंकल. अंकल कब बोलते हैं? जब वो मेल है तभी हम लोग उसको अंकल बोलते हैं, और फीमेल होंगे तब हम उसको क्या बोलेंगे? आंटी. सो अंकल हियर इज अ मेल, सो दैट इज वाई वी आर यूजिंग ही. ही पे अंडरलाइन करेंगे. समझ में आया? नेक्स्ट, डैश इज माई पेट डॉग. ओके, नंबर फोर्थ इज इट और ही इज माई पेट डॉग. अब यहाँ डॉग के बारे में बात हो रहा है. सो डॉग क्या था? एनिमल है ना. सो फॉर एनिमल वी आर यूजिंग इट. चिल्ड्रेन यू हैव टू रिमेंबर सम ऑफ द वर्ड्स, कहाँ कहाँ हमें वो यूज करते हैं. गर्ल, बॉय और मेल, फीमेल जहां भी यूज होगा वहां ही, शी, हिज, हर. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ एनिमल, एन एनिमल और अ बर्ड और अ थिंग, दैट टाइम वी आर यूजिंग आई टी इट. सो यहां पे एनिमल के बारे में बात हो रहा है, इट्स टॉकिंग अबाउट अ डॉग. सो हियर वी आर यूजिंग अंडरलाइनिंग इट. इट इज माई पेट डॉग. समझ में आया? नेक्स्ट, इट और शी. नंबर फिफ्थ इज इट और शी इज अ बैट. ओके, अब यहां बैट, बैट मतलब वो जो बैट से खेलते हैं ना, बैट बॉल. सो बैट, बैट क्या है? एक सामान है, इट्स अ थिंग. सो थिंग के लिए हमने क्या यूज करते थे? इट. सो यहां भी हम इट में अंडरलाइन करेंगे. ठीक है, एंड द लास्ट वन सेज ही और इट इज एन ऑरेंज. ऑरेंज भी एक फ्रूट है बट अभी तो वो एक सामान ही है, इट्स अ थिंग. सो यहां भी हम क्या यूज करेंगे? आई टी इट. ओके, आई टी इट. सो शी इज माई सिस्टर, he is going to school, he is my uncle, it is my pet dog, it is a bat, it is an orange. समझ में आया? एक्सरसाइज नंबर सी. ठीक है, छोटा सा एक्सरसाइज है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट कि हम लोगों को ही कब लगाना है, शी कब लगाना है और इट कब लगाना है. ओके,
और नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज नंबर डी. ओके, सो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस ओनली. सो इट, शी, ही और हिज, हर. नाउ हियर चिल्ड्रेन, आई एम गोइंग टू राइट द सेंटेंस ऑन द ब्लैक बोर्ड. द सेम थिंग इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. ओके, नंबर वन सेज दिस इज रितु. ओके, दिस इज रितु. रितु इज माई फ्रेंड. ओके, रितु इज माई फ्रेंड. हियर वी आर गोइंग टू राइट द आंसर. देन नंबर टू, दिस इज माई रैबिट. दिस इज माई रैबिट. My rabbit is white. My rabbit is white. We are going to do two and the next two will be your homework. हम लोग दो करेंगे और दो आपका homework होगा. Okay, now see. This is Ritu. Ritu is my friend. Here underline है Ritu में और यहाँ पे my rabbit में. Now see what the question says. Rewrite the sentences. Use pronouns in place of the underlined words. अब यहाँ पे आपको sentence दिया हुआ है, जिस पे underline किया है उस word के जगह में आपको pronoun use करना है. समझ में आया? जो word के नीचे underline है वो word के place में, दैट्स अ नेमिंग वर्ड, नाउन है, उसके जगह में आपको क्या यूज करना है? प्रनाउन यूज करना है. ठीक है, नाउ सी, दिस इज रितु. ये रितु है. रितु इज माई फ्रेंड. अगेन रितु, रितु बार बार रिपीट हो रहा है. सो रितु को हमें चेंज करना है. किसमें? प्रनाउन में चेंज करना है. सो वी हैव टू रिप्लेस दैट वर्ड, वी हैव टू रिप्लेस दैट नाउन. So this, we are going to write the same thing here. This is Ritu. Okay, this is Ritu. Then Ritu kya change ho jayega? Ye wala word. Ritu is a girl. So here it will be she. So full stop. She is my friend. F-R-I-E-N-D, friend. समझ में आया? ऋतु क्या चेंज हो गया? शी में. ठीक है, बिकॉज ऋतु इज अ गर्ल. सो दिस इज ऋतु. शी इज माई फ्रेंड. अंडरस्टूड? देन दिस इज माई रैबिट. अब ये मेरा रैबिट है. माई रैबिट इज वाइट. अब माई रैबिट को आपको चेंज करना है. यू रिमेंबर हम लोग एनिमल के लिए क्या यूज करते थे? आई टी, इट यूज करते थे, है ना? सो यहाँ पे माई रैबिट विल टर्न टू इट. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दिस इज माई रैबिट. दिस इज माई रैबिट. ये वाला पूरा चेंज किस में हो जाएगा? आई टी, इट में. क्यों? क्योंकि इट्स टॉकिंग अबाउट एन एनिमल. ठीक है, सो फुल स्टॉप. इट इज वाइट. डब्ल्यू आई टी एच, डब्ल्यू एच आई टी ई, सॉरी, डब्ल्यू एच आई टी ई, वाइट. ओके, सो दिस इज माय रैबिट. इट इज वाइट. समझ में आया? यू हैव टू राइट दिस इन योर टेक्स्ट बुक. नाउ नंबर थ्री एंड फोर विल बी योर होमवर्क. आपको होमवर्क में करना है थ्री और फोर. खुद से करना है, ट्राई करना है कि उसमें क्या लिखा है. ओके, देन वी विल डिस्कस द आंसर इन द नेक्स्ट क्लास. आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.